अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज दिन भर की अपडेट्स देखने वाले हैं, और दोस्तों हम बात करेंगे, एक बार शुरू से कर लेते हैं विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी शिक्षक भर्ती बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। तो दोस्तों आपकी फाइनल कट ऑफ को जानने के लिए हम लोग एक बार शुरू से करेंगे आज विश्लेषण कि आखिर आज क्या हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे महासर्वे का महारिजल्ट जाने। जी हाँ दोस्तों, इस बीच जितनी बार भी सर्वे किया गया कि कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चे फेल होंगे, सब कुछ दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आखिर आपको भी दोस्तों पता चलना चाहिए कि बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है। तो एक हफ्ते पहले दोस्तों अगर आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चलिए दोस्तों बिल्कुल रिजल्ट के तहत तक जाएंगे आज हम लोग। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगले हफ्ते तक केस फाइनल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका केस ज्यादा समय नहीं चलने वाला, बस मैक्स टू मैक्स 1 वीक का और दोस्तों समय आपको लगेगा। तो आपने जैसे लगभग 1 साल का इंतजार कर लिया है, तो दोस्तों अब आपका 1 हफ्ते का और इंतजार बचा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे सेफ गुणांक। क्या 70 से कम गुणांक पर मिल जाएगी नौकरी? जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों के गुणांक 70 से कम बन रहे हैं तो क्या उनको नौकरी मिलेगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ये बात हम 40-45 पर करेंगे। अगर 60-65 की जीत होती है फिर तो आपको नौकरी मिलनी है। तो दोस्तों हमें हमेशा दोनों पक्ष देखना चाहिए दोस्तों कि क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे नंबर कम भी रह जाते हैं, अगर कल 40-45 जीतता है तो दोस्तों क्या उम्मीद बन सकती है 65 अंक गुणांक पर? तो दोस्तों उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या भाई कोई तरीका है, कोई ट्रिक है कि हम 65 अंक का गुणांक भी आए और हम नौकरी भी पा जाए। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी सर्वे होता है तो आप पर ही सीधे होता है, इसका आंसर आप करते हैं हम नहीं करते। तो कोई भी सर्वे दोस्तों हम करते हैं तो आप पर ही करते हैं और आप लोग इसका आंसर या इसका जवाब खुद देते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि आपके कितने अंक के गुणांक बन रहे हैं। ठीक है, आपके सामने 4 विकल्प रखे गए थे, 60 से कम, ठीक है पहला, दूसरा था दोस्तों आपका 65 से कम, उसके बाद दोस्तों था आपका 70 से कम, और लास्ट वाला दोस्तों था आपका कि 70 से अधिक। एक 70 से अधिक भी था दोस्तों और एक 70 से कम भी था। तो दोस्तों कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। ठीक है, 70 से कम वाला है ये, ठीक है, और ये भी कमी है 65 से कम। तो समझेंगे दोस्तों कि हुआ क्या था। आखिर देखिए दोस्तों, जो हमारे पास सर्वे का रिजल्ट आया, सिर्फ 22% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि उनके गुणांक 70 से अधिक बन रहा है। दोस्तों लगभग 5,000 बच्चों का ये कमेंट पोल था। ठीक है, 5,000 बच्चे दोस्तों काफी होते हैं, लगभग 5,000 से ज्यादा था, लेकिन हम 5,000 को ही ले रहे हैं। तो 5,000 बच्चों का दोस्तों जो सर्वे हुआ उसमें 22% बच्चों ने कहा कि उनके जो गुणांक बन रहे हैं वो 70 से अधिक बन रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जितने बच्चों के गुणांक 70 से अधिक बन रहे हैं आज की डेट में वो नौकरी के बिल्कुल हकदार बन जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हकदार तो बच्चे हैं ही हैं, तो इनकी जीत हमेशा से हो चुकी है, खाली फैसला कुछ भी है, नौकरी तो इनको मिलनी है। अब बात होगी जिन बच्चों के 70 से कम गुणांक है। दोस्तों बाकी के जो आपके टोटल बच्चे बच रहे हैं, अब उनके तो सभी के गुणांक 70 से कम ही होंगे, ये बात आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। मतलब 78% बच्चे ऐसे हैं जिनका गुणांक 70 से कम बन रहा है। तो दोस्तों इस बात से तो एक बात स्पष्ट होती है कि अधिकतर बच्चे वो नौकरी पाएंगे जिन बच्चों के गुणांक 70 से कम हैं। ठीक है, सिर्फ 22% बच्चे ऐसे हैं जिनके मतलब 70 से ज्यादा हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप 70 से ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होगा दोस्तों 22% हम 4 लाख निकाल लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात आपको समझना है इस वीडियो में कि अगर आपके देखिए यहाँ पर होगा क्या ना, कैटेगरी का बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर होने वाला है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, उसके बाद SC कैटेगरी के बच्चों को फायदा मिलेगा, फिर OBC और लास्ट में जनरल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ST के बच्चों को जो मौका मिल सकता है वो 55 से अधिक गुणांक तक आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, 55% या 55 से अधिक गुणांक अगर आपके हैं तो आपको मौका मिलेगा। SC में दोस्तों अगर आपके 60+ गुणांक बनते हैं तो आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है, नौकरी पाने का। OBC में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कम से कम 65+ गुणांक और जनरल में 70 से ऊपर का गुणांक होना चाहिए 40 और 45 कट ऑफ में। तो दोस्तों आपका कुछ ऐसा गुणांक होगा तो आप नौकरी के हकदार बन सकते हैं। मतलब कोई बच्चा 55 गुणांक पर भी नौकरी पा सकता है, कोई बच्चा 70 गुणांक पर भी नौकरी नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये सब डिफरेंस आएगा कि आपका कैटेगरी से काफी ज्यादा अंतर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक बात हमने और बताई थी कि अगले हफ्ते तक आपका केस फाइनल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अलग से बेंच गठित कर दी गई है, तो मतलब
जो आपका केस होगा वो अगले हफ्ते तक श्योर है दोस्तों के नेक्स्ट वीक वो फाइनल हो जाए। तो दोस्तों अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों हमने एक बात शुरू में कही थी कि एक बार शुरू से करते हैं विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, आखिर हुआ क्या आज तक केस में, स्टार्ट से लेकर दोस्तों एंड तक हम बात करेंगे, ठीक है? पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कैसी रही सुनवाई और किसकी हो सकती है जीत। दोस्तों हमें जैसा कि पहले पता है कि जो हमारे सिंगल बेंच का फैसला आया था वो 40-45 के पक्ष में आ गया था, ठीक है? दोस्तों देखिए, जो सिंगल बेंच का जो हमें अधिकतर मामले आते हैं ना, वो कोर्ट को देख कर देखे जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो मतलब जो एविडेंस होते हैं वो सब कुछ सही थी, उनको लगा कि 40-45 की टीम सही कर रही है जो आपका विज्ञप्ति बताई गई। और दोस्तों उसके बाद जो आपका बोला गया कि 68,500 का पार्ट टू है 69,000, तो दोस्तों उस समय देखिए हो सकता है कि 60-65 की टीम ने उतनी अच्छे से पक्ष न रख पाए हो जिस प्रकार इस बार उन्होंने रखा है। देखिए दोस्तों, इस बार आपने एक बात को नोटिस किया होगा शुरू से लेकर अंत तक, जज साहब हर बार लगभग लगभग सेटिस्फाइड दिखे, मतलब संतुष्ट दिखे। जो भी बात हुई 60-65 की टीम से उससे जज साहब संतुष्ट लगे। दोस्तों अगर जज साहब संतुष्ट हो रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब या इशारा हम कह सकते हैं कि अगर 40-45 की टीम ने जब जज साहब को संतुष्ट नहीं कर पाए या सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो सिंपल सी बात है दोस्तों 40-45 की हार हो सकती है। अगर दोस्तों ये फिर से जज साहब को वैसा ही सेटिस्फाइड कर पाए जैसे कि 60-65 की टीम ने किया है तो फिर तो 40-45 की जीत भी दोस्तों ज्यादा हद तक तय हो जाएगी, क्योंकि यार एक बार तो ये पहले से जीत चुके तो थोड़ा सा एडवांटेज दोस्तों रहता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई पहले जीत चुका है तो उनके पास एक एडवांटेज हो जाता है, तो उनके चांसेस भी बनते हैं कुछ, क्योंकि दोस्तों जो आपका पिछला मामला था सिंगल बेंच में तो वो भी कुछ मैटर तो करता ही, उतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मैटर कर जाता है, ठीक है ना? तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो बस ज्यादा समय का इंतजार आपको नहीं करना है। तो 70 से कम गुणांक पर दोस्तों नौकरी मिलेगी तो सही, लेकिन उसके लिए आपको कैटेगरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और एक बात और आपको बताते जाते जाते वीडियो में, अगर आपकी एज अधिकतर तो होता है दोस्तों कम रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन दोस्तों इस बार एज आपकी थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर कभी कभी ये देखा जाता है कि अगर आपके 70 अंक का गुणांक बनना है 70 मेरा भी बनना है, आपका भी 70 मेरा भी 70, आपकी एज 25 साल मेरी है 30 साल, तो हमको नौकरी मिल जाएगी और आप नौकरी से बाहर, सब कुछ सेम है लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोटी सी गलती और आप नौकरी से बाहर। इस बार एज फैक्टर भी बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि दोस्तों जो ये गुणांक का खेल है ना, इसमें हम आपको बता दें सभी बच्चों का गुणांक 65 और 75 या 70 ही समझ लीजिए, या 60 से 70 के बीच में लाखों बच्चे आ रहे हैं इसमें। अब लाखों बच्चे हैं तो दोस्तों काफी बच्चों को तो ऐसा ही होगा ना जिनका मैच कर जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उन बच्चों को जो बच्चे बिल्कुल नए हैं। जैसे हम कह सकते हैं डीएलएड 2015 बैच या बीटीसी 2015 बैच के जो बच्चे होंगे उनकी एज सबसे कम हो सकती है। तो दोस्तों जितनी ज्यादा एज कम उतनी ही ज्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो इस बात का आपको बहुत ही सीरियसली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने एज ज्यादा लिखा रखी है तो आपको यहाँ पर फायदा ज्यादा मिलेगा, कम लिखा रखी है दोस्तों तो दिक्कत हो सकती है। 40-45 कट ऑफ पर ही दोस्तों हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर सीट जो रहेगी ना वो शिक्षा मित्र ले जाएंगे और उनकी आपको तो पता है एज भी ज्यादा है तो उनको एक एडवांटेज तो ऐसे ही है, तो ऐसे भी उनको एज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनको 25 अंक का जो भारांक दिया जा रहा है वो दोस्तों सफिशियंट है उनको लीड करने के लिए, ठीक है? तो नॉर्मल छात्र तो उनसे फाइट में भी नहीं है, जो थोड़े से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने पहले से एकेडमिक अच्छा मेंटेन कर रखा है मतलब 30 या 30+, तो दोस्तों वही बच्चे सिर्फ शिक्षा मित्र से फाइट कर सकते हैं जिनके एकेडमिक कम से कम 30 नंबर है, तो बाकी के बच्चे तो दोस्तों रेस में ही नहीं है। तो ये सब देखने वाली बातें होंगी। और एक बात दोस्तों आपको बता दें कि काफी बच्चों का दावा है कि उनके इस बार 110 से लेकर 120 नंबर तक सुपर टेट में आ रहे हैं, तो दोस्तों ये भी एक रिकॉर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए कि सुपर टेट में इतने अच्छे नंबर लाना, ये दोस्तों काबिले तारीफ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस बार देखा होगा आपने कि पेपर उतना भी सरल नहीं था, देखिए अगर पेपर इतना आसान आया होता तो हर एक बच्चे के नंबर 110 नंबर आ गए होंगे, ठीक है? लेकिन बच्चों ने दोस्तों आसानी से थ्रेशोल्ड कंप्लीट किया, थ्रेशोल्ड का मतलब आपका पासिंग मार्क जो कि सरकार ने अभी तय किया है कि 90 और 97, ठीक है दोस्तों? तो जनरल के बच्चों के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा कि 97 नंबर कट ऑफ जा सकती है, भले आपके ओबीसी एससी और जनरल एसटी के बच्चे तो ये सोच सकते हैं कि यार 90 नंबर आपका यूपी टेट में तो जनरल के लिए जाता है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो आइडिया में था, लेकिन 297 नंबर ये होता है ना उम्मीद से परे था। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे रिएक्ट करते हैं जनरल के बच्चे जब रिजल्ट आता है फाइनल, क्योंकि अभी आपका दोस्तों देखिए दो बड़ी लड़ाइयां बची हैं। पहला तो आपका रिवाइज आंतर की जारी कराना, जब तक दोस्तों रिवाइज आंतर की जारी नहीं होगी तब तक भी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, तो रिवाइज आंतर की दोस्तों उसके बाद आपका आता है नंबर रिजल्ट का, ठीक है ना?
तो रिजल्ट और रिवाइज आंसर की दोस्तों ये दो बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं आपके सामने। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आगे वाले समय में क्या होगा। तो ज्यादा दिन का इंतजार नहीं बचा आपको, थोड़े दिन में दोस्तों सब कुछ क्लियर होगा रिवाइज आंसर की को लेकर और रिजल्ट को लेकर, ठीक है ना। पहले आपका रिवाइज आंसर की ही आएगा और आपके मन में एक सवाल और खड़ा हो रहा होगा कि जो आपका संशोधित उत्तर माला होगा या रिवाइज आंसर की, उसमें नंबर कितने बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत ही लाजमी उठना है। देखिए दोस्तों, क्या नंबर बढ़ेंगे कि घट भी सकते हैं क्या, ये भी तो सवाल है ना। कभी सोचिए अगर किसी का विकल्प पहले का भी सही, सरकार ने पहले से कर रखा है कि चलो इसका आंसर भी सही होगा, अगर उसको चेंज करके हम ए सही करते हैं तो काफी बच्चे जो बी में नंबर पा चुके थे प्लस का वन, अब दोस्तों उसका आंसर ए सही होता तो माइनस वन हो जाएगा उन बच्चों का, और कुछ बच्चों का भाई प्लस का वन होगा जो बच्चों ने ए टिक किया होगा। तो नंबर बढ़ते भी हैं तो घटते भी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए नंबर सबके तब बढ़ते हैं जब सिर्फ कॉमन नंबर मिलता है। जब कॉमन नंबर दोस्तों मिलने का तरीका ये है कि आपके जो चारों विकल्प, चार के चार विकल्प गलत होते हैं, तब दोस्तों आपको एक कॉमन नंबर दिया जाता है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, 90 नंबर लाकर बैठे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है कि रिवाइज आंसर की में अगर थोड़ा सा चेंजेस होता है तो उनके नंबर एक नंबर कम भी हो सकता है, एक नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा टेंशन लेना है और बाकी बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं लेना, एंजॉय करना, मस्ती करना है। तो दोस्तों बस एक हफ्ते का और इंतजार, फिर आपकी तो नौकरी मिलने वाली है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।